दोस्तों, इस चैनल पर आपको खतौली से रिलेटेड व्लॉग मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप देख सको सबसे पहले व्लॉग। तो दोस्तों, आज अब शुरू करते हैं नहर के नया लुक। दोस्तों, आप ये देख सकते हो ऊपर की साइड है और यहाँ पर चार खंबे हैं लाइट के, जो कि अभी लगाए हैं। और दोस्तों, ये नीचे का है। दोस्तों, अब चलते हैं धीरे धीरे नीचे। काफ़ी पब्लिक है दोस्तों यहाँ पर, घूमने के लिए आ रही है। तो ये रंगोली है देखने के लिए, बेटी बचाओ। और ये इस साइड जिनने से हम उतरे के, ये देख सकते हो आप फ्रंट, ये दूसरी साइड का फ्रंट है। काफी अच्छा कलर है, भगवा और पीला। अब चलते हैं नीचे। इधर सीट भी डली हुई है बैठने के लिए, और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, फोटो खींच रहे हैं लोग बाग, देख सकते हो। ये स्टील की ग्रिल है, ये लेटेस्ट जो चल रही है। ये मेन फ्रंट है यहाँ पर पुल, और ये सामने वाला देख सकते हो, पूरी बाउंड्री की हुई है स्टील की बाउंड इससे ग्रिल से, और नीचे भी टैल लगवाई हुई है अच्छे वाली। ये डीजे लाइट है, और ये बीच में स्पीकर गाने के लिए, ये लाइट है डीजे लाइट, ये स्पीकर है, ये भी डीजे लाइट है, रात को रंगीन रोशनी फेंकते हैं। एक डीजे लाइट और एक स्पीकर। ये स्टील की चेयर है बैठने के लिए दोनों। अब दूसरी साइड चलते हैं दोस्तों, देख सकते हो कितनी भीड़ है, फोटो खींच रहे हैं लोग बाग। और ये गेट लगवा दिया है जिन्ने के नीचे, जो जगह खाली थी पहले, अब इसमें गेट लगवा दिया स्टील का, देख सकते हो स्टील का गेट है ये, अच्छा लग रहा है देखने में भी। टैल भी काफ़ी अच्छे वाली है। और अब देखिए ये नहर, पानी आज काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, ऊपर तक ही आ रहा है। दोस्तों, ये अब दूसरी साइड भी ऐसे ही, ये रात को लाइट लगी हुई है, ये जलती है रात को ऐसी, पूरे उस पर लगी हुई है दीवार पर। और ये डीजे लाइट और स्पीकर, और एक खम्बा है पोल, ये लाइटें ऐसी लगी हुई है, रात को इतनी रंगीन रोशनी होती है यहाँ पर बहुत, इतनी सारी पब्लिक है ये यहाँ पर, देख सकते हो आप। और स्टील की चेयर भी जगह जगह पर है बैठने के लिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी साइड, और जिन्ने पर भी रंगोली बनी हुई है, ये देख सकते हो, ये पहले भी दिखाई थी, फ्रंट की है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से बाहर आने वाले हैं। अब मैं ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ जिन्ने के ऊपर खड़ा होकर, देख सकते हो कितना अच्छे चल लग रही है नई नहर। और ये सामने वाला है, सामने वाला किनारा, यहाँ पे साइड में मंदिर है ये, अभी इस साइड भी जाएंगे हम घूम कर। और ये पेंटिंग बनाई है यहाँ पर, लोग बाग फोटो खिंचाते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरी साइड चलते हैं। दोस्तों, ये पोल लगे हुए हैं पुल के ऊपर भी, आप देख सकते हैं लाइट भी जल रही है इनमें। और ये लॉक कर दिया गया है रास्ता, अब जो ये पुराने वाला पुल था इस पर कोई वाहन नहीं आ जा सकता। अब चलते, ये आ गए हम दूसरे किनारे की साइड। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस साइड नीचे आके, ये रंगोली है यहाँ पर, एक साइड इधर को जा रहा है जिन्ना, ये मंदिर है, और एक साइड इधर, अब हम इधर को ही जाएंगे।
तो दोस्तों चल रहे हैं धीरे धीरे, सामने देख सकते हैं फोटो शूट कर रहे हैं कुछ। ये पेड़ है, ये डीजे लाइट इधर भी लगी हुई है, और ये पेंटिंग जो वहाँ से दिखाई थी काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है, देख सकते हो। यहाँ पर डीजे लाइट भी है, और ये झूला है नीचे, और ये क्रेन से लगा रहे हैं लाइटें, और ये पेड़ के नीचे बैठने के लिए है। अब देख सकते हो दोस्तों ये कैसे लगा रहे हैं, क्रेन से लगा रहे हैं लाइटें, पूरे पुल के नीचे भी लगा रहे हैं ये रात को जलेगा फित्ता लाइट वाला, एलईडी वाला। और ये लाइटें पानी में भी लगती है, पानी भी रंगीन हो जाता है रात को। ये सामने वाला इस साइड से कैसे दिखता है, और ये एक बार नहर का पूरा वो दिखा दिया है। अब उस साइड जाएंगे हम मंदिर की साइड, ये सीनरी देख सकते हो सामने कितनी अच्छी लग रही है। अब धीरे धीरे सामने चल रहे हैं मंदिर के पास, इस साइड भी ये गेट लगा दिया है स्टील का, जो इसके एम्पलीफायर वगैरह कंट्रोल रूम ये सब इन्हीं के अंदर होता है। ये देख सकते हो इधर भी स्टील चेयर वगैरह सब बिछी हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों एक साइड 8 लाइट है, डीजे लाइट, और 4 कॉलम है एक साइड, ऐसी दूसरी साइड है। दोस्तों ये मंदिर है, यहाँ पर आपको पता भी होगा हनुमान जी का, बालाजी का। ये देख सकते हो तुलसा का पेड़ है, और ये एंड हो गया। इधर भी ग्रिल लगी हुई है स्टील की, और चेयर पड़ी हुई है, सामने डीजे लाइट और स्पीकर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही रिलेटेड, खतौली से रिलेटेड इस पर वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। अब चलते हैं बाहर। दोस्तों ये इस साइड भी लाइट लगी हुई है, ये रात को बहुत अच्छी लगती है, और कमेंट में बताइए कैसी लगी वीडियो।